नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा द फैक्टर में आप सबका स्वागत है। आज हमारे हैं डीलर सचसौदा में। यहाँ पर आने वाले लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं डीलर सचसौदा के बारे में। सर डॉक्टर गुरमीत रामनेम सिंह जी, इनसे के बारे में आखिर उनके क्या विचार है, क्या जानते हैं वो गुरु जी के बारे में, उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। हेलो मैडम, क्या नाम है आपका? नीतू बाबा मलोट। मैम आज आप स्पेशल यहाँ पर क्यों आई हैं? गुरु जी के जन्मदिन के लिए स्पेशल आई है। आज एक तो इंडिपेंडेंस डे है, गुरुजी ने तो पहले ही अनाउंस किया था तिरंगे के लिए, सरकार ने बाद में अनाउंस किया है, हमारे पिताजी ने तो पहले ही तिरंगे को इतना ऊपर स्थान दिया था। तो मैडम आज आप स्पेशल गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कैसा करेंगे आप लोग? यहाँ पर एक तो गरीबों को बहुत कुछ दिया जाता है और हमारी जो श्रद्धा, हमारा विश्वास अपने गुरु पर इतना अटल है, इवन कि हम अब अपनी आज शॉप भी बंद करके आए हुए हैं। हमारा विश्वास इतना है, इवन कि मेरी दो छोटी छोटी बच्ची हैं, एक 4 साल की एक 9 साल की, उन दोनों को भी मैंने नामदान, अब पिताजी आए थे, मैंने नामदान दिलाया है। हमें पिताजी पर बहुत ही ज़्यादा अटल विश्वास है। तो मैडम क्वालिफिकेशन क्या है? BSc B.Ed। बट मैंने सुना था यहाँ पर सिर्फ अनपढ़ गवार लोग आते हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है, जितने क्वालिफाइड यहाँ पर मानते हैं ना, मैंने कहीं और देखा भी नहीं है। मैम आप एक महिला है, क्या आप अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल सुरक्षित महसूस करती है, इसलिए मैंने अपनी दोनों बेटियों को इधर नामदान दिलाया। मैडम क्या ये अंधविश्वास नहीं, इतना सब कुछ हो गया फिर भी आप लोग डेरे में आ रहे हैं, गुरु जी से जुड़े हुए हैं? ये अंधविश्वास नहीं है, हमसे पूछो, जितना विश्वास हमें इन पर है ना, हम बता नहीं सकते। हमारी जो भी जिंदगी में जो भी हमें कुछ मिला है, जो कुछ है, जो हम डेरा सच्चा सौदा से ही प्राप्त करते हैं। तो मैडम जो लोग कभी डेरे में नहीं आए हैं, आप उन्हें गुरु जी के बारे में क्या बताना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अगर देखो आप नहीं मानते पर लेकिन इनके कार्य को देखो। सबसे पहला जो इन्होंने नशा चढ़ाने का काम किया है, देखो पंजाब में इतना नशा हुआ पड़ा है, लेकिन गुरु जी ने इतना नशा जो छुड़ा रहे हैं, कितने लोगों के घर को बचा रहे हैं। आप ना मानो लेकिन इनके कार्य को देखो, जो समाज को सुधार रहे हैं, बहुत बेटियों को अपना रहे हैं, बहुत को नामदान दे रहे हैं, घर के घर सुरक्षित हो रहे हैं। इनके काम को देखकर ही इनको मानना चाहिए, सरकार को इस चाहिए कि इनको बाहर निकाले, जो बुराइयां हमारे समाज में हैं वो कितनी ही दूर हो जाएंगी। मैडम अब जैसे पिछले कुछ दिनों पहले गुरुजी समाज में आए, तो आपको क्या फर्क लगा जब वो समाज में आए, तो क्या लगा आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूंगी, जब से गुरुजी गए, गुरुजी अंदर, कोरोना आया हम भी अंदर, जब गुरुजी आए हैं तो कुछ माहौल अच्छा हुआ, इतना डिफरेंस कहना बहुत, आप खुद समझ सकते हो। पिताजी से जाने के बाद ही इतनी बीमारियां, इतना कोरोना आया, जब हम किसी संत को परेशान करते हैं ना, तो जनता भी सुखी नहीं रह सकती। तो समाज में क्या फर्क पड़ा जब गुरुजी आए? समाज में पिताजी ने इतने 25-30 लाख लोगों को आकर नामदान दिया है, छोटे छोटे बच्चों को नामदान दिया है। नशा पहले तो एक देखो, नशा कितना छूट जाएगा, नशा दूर होगा और जो मानवता भलाई के कार्य किए हैं, समाज को भी उसका पता चलेगा। और मैं तो ये फील करती हूँ, मेरी दो छोटी बच्ची है ना, वो जब नाम जपती है ना, वो इतना सुरक्षित फील करती हैं, वो कहती हैं मम्मा, अंदर से खुशी बहुत मिलती है उनको। ऐसे ही 25-30 लाख लोगों को नामदान मिला, उनको कितनी खुशी मिलती होगी। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, अगर पंजाब को या संसार को बचाना चाहते हो तो प्लीज पिताजी को बाहर निकालो। तो देखिए ये वो महिलाएं हैं जो डेरा सच्चा सौदा में लगातार न जाने कब से आ रही हैं और गुरु जी से जुड़ी हैं। देखते हैं हमारा चैनल द फैक्ट टाइम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे जो लगातार न जाने कब से डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.